Hello children, welcome to Dutch online classes. Today we are going to start our chapter 2, English Literature Supplementary Book, Grade 6, CBSC. So, हमने जैसा कि अपना first part, the friendly mongoose का जो first part था, हमने यहाँ समझ लिया था. Okay, अब हम आते हैं अपने second part पर. Okay, so let's begin with text. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. अब जो farmer की जो wife है, वो कहाँ से return हो, कहाँ से वापस आ गई थी? Market से वापस आई थी और अपने हाथ में एक heavy basket रखे हुए थी. She found the mongoose at the entrance means जो हमारा प्रवेश द्वार होता है वो entrance of the house with blood on his face and paws means पंजे. तो वो क्या पाती है found का means यहाँ पाना. तो यहाँ वो क्या पाती है कि जो mongoose entrance gate पर बैठा है और उसके face और paws पर क्या लगा है, blood. She jumped to the conclusion that it was her son's blood. वो सीधे एक conclusion पर आ जाती है, सीधे एक निर्णय पर आ जाती है कि ये उसके छोटे सा जो baby है जो अंदर झूले में सो रहा था उसका blood है. And the mongoose was the guilty one. और ये इसका दोषी कौन है? Guilty means क्या? दोषी. इसका दोषी कौन है? Mongoose है. यही एक बहुत बड़ी गलती होती है इस farmers की wife की कि वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे किसको गुनेगार समझ लेती है? Mongoose को. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket of groceries. अब जो farmer's की wife है वो अपनी shopping finish करके कहाँ लौट रही थी? किस ओर? घर की ओर लौट रही थी. और जो groceries की दुकान से उसने बहुत सारा basket full करके खरीदी की थी और वो अपने हाथ में वही लेकर आ रही थी. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. और उसने क्या देखा कि जो mongoose है उसका wait ऐसे कर रहा है जैसे कि वो उसका ऐसे बैठा है जैसे कि वो उसका वेट कर रहा हो. ऑन सीइंग हर ही रन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी. अब जब वो मंगूस देखता है कि जो मालकिन है वो घर आ गई हैं तो वो उसका वेलकम करने लगता है, उसके आगे पीछे घूमने लगता है एज वॉज कस्टमरी. कस्टमरी मीन्स जैसा कि अभी तक वो रोज करता था, नॉर्मल थी ये बात, वो हमेशा ऐसा करता था. ब्लड सॉरी द फॉर्मर्स वाइफ टोक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड ब्लड. अब जो फॉर्मर्स की वाइफ का अचानक उसकी जो नज़र है वो कहाँ जाती है, मंगूस के ऊपर, और वो दे स्क्रीम्ड वह चिल्लाती है बहुत जम के, ब्लड खून, द सी क्राइड वो बहुत जम के चिल्लाती है. द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्ट्रीम्ड विथ ब्लड. और जो पूरा मंगूस का जो पॉज है जो फेस है पूरा ब्लड से भिड़ा हुआ रहता है, पूरा का पूरा ब्लड से जो ऊपर दिखता है उसके फेस पर. यू विग्ड एनिमल विग्ड मीन्स यानी दुष्ट, ओके, पापी. तो वह बोलती है, वह जैसे ये देखती है कि जो इसके मुंह पर और इसके जो पॉज पर इसके पंजे पर तो क्या लगा है, ब्लड लगा है, और वह सीधे समझती है कि उसके बच्चे को उसने मंगूस ने नुकसान पहुंचाया है या उसे मार डाला है. अब वह क्या कहती है, विग्ड मतलब दुष्ट या पापी. अब वह उसको चिल्ला कर कहती है तुम विग्ड एनिमल हो या तुम दुष्ट एनिमल या फिर दुष्ट मंगूस. यू हैव किल्ड माय बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है. सी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, तो अब वह इतनी जमकर चिल्लाती है बिना सोचे समझे और सीधे इसी बात पर आ जाती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया. सी वॉज ब्लाइंड विथ रेज. रेज मीन्स एक गुस्सा, एक एंगर, ठीक है. सी वॉज उसकी जो आँखें हैं गुस्से से अंधी हो जाती हैं, ओके. वह गुस्से से अंधी हो जाती है, मतलब अंधे हो जाने का मतलब ये कि बस उसको कुछ नहीं दिखता, बस उसे गुस्सा आने लगता है. एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्ट्रीम्ड मंगूस एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल. और वो क्या करती है, सारी की सारी जो ग्रोसरीज से भरी बास्केट रहती है वो गुस्से में किसके ऊपर पटक देती है, मंगूस के ऊपर, और अंदर की ओर आती है अपने बच्चे को देखने के लिए जो कि पालने में सो रहा था, क्रेडल में सो रहा था, ठीक है. द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप. और जो बेबी था अब वो क्या देखती है, वो तो बहुत तेजी से उसकी नींद लगी थी. स्लीप का मतलब होता है सोना, लेकिन स्लीप का मतलब होता है सोना, यह एक क्रिया है, लेकिन अस्लीप मीन्स जो सो रहा है, जो ऑलरेडी नींद में है, उसे हम अस्लीप लगा ए लगा दें तो वह अस्लीप हो जाता है. तो अस्लीप मीन्स जो ऑलरेडी नींद में है, ठीक है. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोर्न एंड ब्लीडिंग. पर वो क्या देखती है कि फ्लोर पर एक ब्लैक स्नेक टोर्न मतलब फटा हुआ, जैसे काट दिया गया हो, कट कर दिया गया हो. एंड ब्लीडिंग, और उसका क्या बह रहा था, खून बह रहा था, ब्लड बह रहा था. अब वह क्या देखती है, एक स्नेक है जिसका ब्लड बह रहा है और उसे किसी ने कट कर दिया है, बीच में से नुकसान पहुंचाया है. इन अ फ्लैश, अब वह पूरी की पूरी, फ्लैश मीन्स वह पूरी
फ्लैश मतलब पीछे की ओर जाना, पूरी तरीके से जब पूरी कहानी को पीछे की दोहराना। इन अ फ्लैश सी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। अब उसे फ्लैश में जाती है पूरी कहानी के पीछे की ओर, फिर उसको रियलाइज्ड होता है कि यार आखिर हुआ क्या है, अब समझ में आया। सी रन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। अब वह बाहर जाती है जल्दी से और मंगूस को देखती है कि उसको मैंने बास्केट पटका था उसके ऊपर, अब वो जिंदा है या नहीं। ओह यू सेव्ड माय सन, यू सेव्ड माय चाइल्ड। अब वह कहती है दुखी होकर, ओह तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मारा, तुमने उसको बचाया स्नेक से। व्हाट हैव आई डन, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। सी क्राई टचिंग द मंगूस, और मच मंगूस को वो रोते रोते टच करने लगती है। हु ले डाइड, हु ले डेड एंड स्टिल। अब वो पूरी तरीके से मर चुका था और हिल भी नहीं रहा था, कोई हरकत भी नहीं थी उसके अंदर। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, अब उसने यह अनजाने में कर दिया। अनजाने के मतलब यहाँ बताया है कि उसने बिना सोचे समझे पहले ही निर्णय ले लिया था और सीधा मंगूस को इसका अपराधी मान लिया था। ये बहुत ही गलत बात थी। द फॉर्मर्स वाइफ हु हैड एक्ट हेस्टली एंड रेस्टली स्टार्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। अब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से और बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से क्या करती, रोने लगती और मंगूस की तो अब मौत हो चुकी थी। देन सी हर्ड द बेबी क्राइंग, अब भाई क्या सुनती है अंदर से उसके बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। विपिंग हर टीयर्स, और उसको वो अपने आंसुओं को पहुँचती है। सी वेंट इन टू फीड हिम, और भाई अंदर जाकर उसको खाना खिलाती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी को भी दोषी नहीं मानना चाहिए, पहले पूरी बात जान लेना ही सबसे अच्छी चीज़ होती है।